नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर। दोस्तों तो दोस्तों यार, आज की वीडियो काफ़ी खास होने वाली है यार, क्योंकि आज की वीडियो में यार मैं आपको लैग फिक्स कराने वाला हूँ यार पबजी मोबाइल का, वो भी यार 2 या 3 GB रैम वाले फ़ोनों में। ठीक है, आराम से स्मूथ पबजी मोबाइल चलेगी इस वीडियो के बाद। तो दोस्तों यार पूरी वीडियो देखते रहिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता लग सके और आखिर अपनी पबजी मोबाइल को आप स्मूथ कैसे बना सकते हो वो भी पता लग सके। तो दोस्तों यार इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूँ, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, जाइए उस लाइक के बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से हर नोटिफिकेशन आता पहुंचता रहता है जिससे कि आप अपडेट रहते हो। तो दोस्तों यार अगर आपके पास मतलब थोड़ा लो एंड डिवाइस है, मतलब काफ़ी वो बजट फ़ोन के भी नीचे आ जाता है और मतलब पबजी उसमें काफ़ी ज़्यादा लैग करती है और आप पबजी मोबाइल लाइट को खेलना नहीं चाहते, तो यार अभी तो एक ही तरीका है। ठीक है, तो उस तरीका मैं वो तरीका जो है आपको बताऊंगा और उस तरीके से आपका ना ही अकाउंट बैन होने वाला है। ठीक है, और इसके साथ साथ आपकी जो रेंडर प्रॉब्लम होगी, ठीक है, मतलब कभी कभी होता है आप जॉर्जबुर्ग पहुंचिंग की उतरते हो, ठीक है, तो साथ ही में क्या होता है काफ़ी ज़्यादा बंदे आते हैं जिसके कारण आपका फोन रेंडरिंग इशू में चला जाता है और लैग काफ़ी ज़्यादा होता है, वो भी सोल्व हो जाएगा। और दोस्तों मतलब अगर आपका फ़ोन में 2, 3, 4 GB रैम है, ठीक है, तो आपकी पबजी मोबाइल इस वीडियो के बाद काफ़ी स्मूथ चलेगी। तो दोस्तों यार इसमें आपको कोई भी मतलब कोई भी एक्स्ट्रा ऐप नहीं चाहिए, ना ही थर्ड पार्टी आपको चाहिए, GFX टूल वगैरह कुछ नहीं चाहिए। सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक मिलेंगे, ठीक है, एक होगा यार एक्टिव सॉ फाइल का और एक होगा कॉन्फिग का, दोनों पहले जाके आप डाउनलोड कर लो। उसके बाद आपने क्या करना है यार, ईएक्स फाइल एक्सप्लोरर नहीं है तो वो भी डाउनलोड कर लो। ईएक्स फाइल एक्सप्लोरर को खोल के आपने क्या करना है, जो मैंने फाइल्स डाउनलोड कराई हैं उधर चले जाना है। तो मैं डाउनलोड्स में गया, ठीक है, इधर आपको दिखेगी यार एक्टिव 100, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 500p कॉन्फिग, तो आपने यहाँ पे कॉन्फिग पे जाना है। तो इधर आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे, क्लासिक, कलर, मूवी और जितने भी होते हैं, ठीक है, आपको सब मिल जाएंगे। तो मैं क्लासिक पे क्लिक करता हूँ, जो भी आपको पसंद है आप उस पर क्लिक कीजिए और सारी आपने कॉन्फिग जो है वो कॉपी कर लेनी है, ठीक है, लास्ट तक पूरी कॉपी कर लो। तो यार मैंने कॉपी कर ली, ठीक है, और उसके बाद आपने बैक जाना है, बैक, और उसके बाद आपने यार एंड्रॉइड में जाना है और उसके बाद डाटा में जाना है, डाटा में जाने के बाद com.tencent.ig पे जाना है, फिर फाइल्स पे, और उसके बाद UE4 गेम, फिर शेडो ट्रैकर एक्स्ट्रा, फिर शेडो ट्रैकर एक्स्ट्रा, फिर सेव्ड, और उसके बाद कॉन्फिग्ड एंड्रॉइड, और नीचे आपको usercustom.ini देखने को मिलेगा। तो इस पे आपने एडिट पे क्लिक कर लेना पहले, उसके बाद आपने सिलेक्ट करना है इन सब को, जो भी मतलब फर्स्ट से सिलेक्ट करना शुरू करना है आपने, और इसे नीचे लेके जाना है, मतलब आपको यार बैकअप डिवाइस प्रोफाइल करके कुछ लिखा हुआ मिलेगा, बस आपने उसके ऊपर ऊपर मतलब सब कुछ सिलेक्ट कर लेना और पेस्ट कर देना है। तो यार पेस्ट हो गया सक्सेसफुली, हम सेव कर देते हैं हम, ठीक है, तो सिंपली आपने सेव कर देना। उसके बाद आपने दोबारा बैक जाना है और इस बार आपने जाना है यार एक्टिव 100 के ऊपर, जो कि आपने डाउनलोड किया है। तो यार इधर मैं डाउनलोड्स में जाता हूँ और मैं आपको एक्टिव 100 अपनी दिखा देता हूँ। तो मैं डाउनलोड्स में गया, इधर एक्टिव 100 प्लस 60 FPS आपको दिखा होगा, तो इस एक्टिव 100 को आपने कॉपी कर लेना है और या कट कर लो, जो आपकी मर्जी है, ठीक है। और उसके बाद आपने दोबारा जाना यार एंड्रॉइड डाटा, मतलब उधर ही जाना जहां पे हम पहले गए थे, ठीक है, बस थोड़ा सा मतलब चेंज होगा, फाइल्स में जाना है, फिर से आपने UE4 गेम, शैडो ट्रैकर, फिर शैडो ट्रैकर, फिर सेव्ड, और इस बार आपने जाना है सेव गेम्स में। तो दोस्तों सेव गेम्स में आपने सीधा इस जो आपका एक्टिव सो है उसे पेस्ट कर देना है, ओवरराइट कर देना अप्लाई टू ऑल क्लिक करके, ठीक है, तो सिंपली आपका जो होगा यार मतलब वो एक्टिव सो हो जाएगा। और इस मेथड मतलब ये जब सब हो जाए आपका, उसके बाद यार आप अपनी पबजी मोबाइल को स्टार्ट कर सकते हो। और दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूं यार कि अगर आप जो आपका लैग पहले होता था उससे काफ़ी ज़्यादा आपका लैग जो है फिक्स हो जाएगा, और मतलब अगर पहले आपका डिवाइस लैग करता था, मतलब जो मिड रेंज डिवाइस है या उससे भी लो बजट डिवाइस है वो लैग करता था, पबजी मोबाइल नहीं झेल पाता था, तो अब आपको यार काफ़ी मतलब हद तक स्मूथ एक्सपीरियंस जो है वो देखने को मिलेगा पबजी मोबाइल में, और कोई बैन नहीं होने वाला यार। जो सोचेंगे यार कि बैन होएगा इस करके, तो यार कुछ भी बैन नहीं होगा, कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। काफ़ी बंदे काफ़ी देर से इन ट्रिक्स का यूज़ करके अपनी पबजी मोबाइल स्मूथ बना रहे हैं, और अगर आपका यार मोबाइल जो है वो मतलब ज़्यादा लैग करता है, हालांकि उसमें रैम ज़्यादा तब भी लैग करता है, तो यार आप मुझे बता सकते हो, मैं एक और वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर। तो दोस्तों यार आज की वीडियो इतनी थी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इन सब के बारे में पता लग सके। तो मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।